वेल दोस्तों, आप सबको पता ही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने दिल की हर बात खुलकर साझा की। पिछले दिनों उनकी वेब सीरीज़ हीरा मंदी रिलीज़ हुई थी, जिसमें उन्होंने फरदीन बेगम का रोल अदा किया। उस रोल में सोनाक्षी के किरदार में जो जान सोनाक्षी ने अपनी शानदार एक्टिंग से डाली, उससे ना सिर्फ बॉलीवुड में कई कलाकार उनके फ़ैन हुए, बल्कि बॉलीवुड की खुद शानदार एक्ट्रेस वेटरन एक्ट्रेस रेखा सोनाक्षी की इस कदर दीवानी हुई कि सिर्फ दो ही एपिसोड उन्होंने सोनाक्षी की एक्टिंग के देखे थे वेब सीरीज़ हीरा मंडी के, और उन्होंने तय किया था वो सोनाक्षी को खुद आकर बताएंगे कि उन्हें वो कितना पसंद आई थी इस रोल के साथ। खैर, सोनाक्षी की शादी बड़े धूमधाम के साथ 23 जून 2024 की तारीख को उनके लॉन्ग टाइम ब्यो बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल के साथ हुई। नोटबुक फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले जहीर, जिन्हें सलमान ने किया था लॉन्च, वही जहीर इकबाल जो बचपन से ही सलमान के थे लाडले, क्योंकि सलमान जहीर के पिता इकबाल रसीस के बहुत करीबी रहे। सलमान ने जहीर के पिता से उधार तक लिए थे, तो कहीं ना कहीं सोनाक्षी और जहीर को मिलाने में सलमान ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सलमान के साथ ही फिल्म दबंग से बॉलीवुड में आई थी सोनाक्षी सिन्हा, इसलिए उन्हें दबंग गर्ल कहा भी जाता है। खैर, आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं सोनाक्षी सिन्हा, और ख़ास तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो किसी और नहीं बल्कि रेखा के रिश्ते के बारे में। आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं सोनाक्षी सिन्हा और रेखा के रिश्ते के बारे में। पिछले दिनों सोनाक्षी सिन्हा ने जिस तरीके से रेखा को अपनी शादी में भावुक होते हुए देखा, वो ये तो समझ गई कि रेखा वाकई में उनसे अटैच्ड है। लेकिन रेखा पहली बार नहीं जब सोनाक्षी से इतनी अटैच्ड हुई उनकी शादी के दिन। दरअसल ऐसा पहले भी होता रहा है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा को अपनी बेटी का दर्जा रेखा ने सालों पहले ही देने का मन बनाया था। वैसे तो रेखा बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को अपनी बेटी का दर्जा दे चुकी हैं, इसमें एक ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं, लेकिन रेखा के लिए सोनाक्षी ज़्यादा ही खास हैं। सोनाक्षी ने खुद बताया था कि कैसे उनकी माँ पूनम सिन्हा के सामने रेखा ने कह दिया था कि सोनाक्षी मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं, मैं उनकी सगी माँ हूँ। यानी कि रेखा ने खुद को सोनाक्षी की दूसरी माँ करार दिया था। अब आइए आपको बता दें, रिसेंटली मई के महीने में सोनाक्षी का एक इंटरव्यू आया था सामने, जिसमें रेखा का सोनाक्षी को लेकर दीवाना होना सोनाक्षी ने बताया था किस कदर बढ़ा फिल्म हीरा मंडी के देखने के बाद। और इसके बाद लेजेंडरी एक्ट्रेस ने उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखा, इतना उन पर प्यार लुटाया, उन्हें अपनी बेटी तक कह दिया। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने इस पर बताया कि कैसा था रेखा का रिस्पॉन्स। और रेखा, जिनका रिश्ता शत्रुघ्न से भी गहरा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे हमारे इस रिपोर्ट में। पहले आपको बता दें, सोनाक्षी ने कहा मेरे एक्टिंग को देखकर वो इतनी इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने खुद को मेरी दूसरी माँ कह दिया था। जी हाँ, फॉर्मर एक्ट्रेस ने खुद को सोनाक्षी की दूसरी माँ कहा, वो भी छुप कर नहीं, पूनम सिन्हा के ही सामने उन्हें कहा। पूनम सोनाक्षी की बहुत ज़्यादा प्यारी माँ है, लेकिन पूनम सिन्हा और रेखा का रिश्ता कैसा है ये तो आपको पता ही होगा कि पूनम सिन्हा रेखा की बहुत ही पुरानी और बहुत ही गहरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। इनकी दोस्ती सालों पुरानी है। इस दोस्ती की वजह से ही शत्रुघ्न से रेखा के जो रिश्ते में दरार आए थे वो दरारें भर गई थी।
क्योंकि पूनम ही रेखा और शत्रुघ्न को करीब लेकर आई थी। आपको बता दें, स्टेटमेंट था सोनाक्षी का कि मेरी माँ को रेखा ने कहा वो मेरी दूसरी माँ है, और जब मेरी माँ और मैं वहाँ पर थे तो मेरी माँ को उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। उनका ये एक एक शब्द मेरे कान में आज भी गूंजता है, और मैं ये सोचकर रोम रोम मेरा झूम उठता है कि एक्ट्रेस रेखा ने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया। खैर, अब आपको बता दें, रेखा का सिन्हा परिवार के साथ भी स्पेशल बॉन्ड है, जिसके कारण वो सोनाक्षी को अपनी बेटी दिल से मानती हैं। जी हाँ, पूनम सिन्हा और रेखा की दोस्ती के तो कई किस्से मशहूर हैं। आपको बता दें, सिन्हा परिवार शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, अनुपम रॉय और कई सेलिब्रिटीज़ जो बी टाउन में रिसेप्शन पार्टी, सोनाक्षी और जहीर की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको यहाँ हमारे रिपोर्ट में बता दें, सेलिब्रिटीज़ के बीच स्पेशल बॉन्ड की शुरुआत कैसे हुई थी। सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न को आज भी सम्मान देते हुए उनके पैर छूकर उनको रिस्पेक्ट देती हैं रेखा, और इसलिए उनके स्पेशल बॉन्ड आज तक सिन्हा परिवार से नहीं है टूटा। सोनाक्षी भी एक बेटी की तरह रेखा को संभालती अक्सर नजर आती होंगी आपको। राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग की कहानी से जुड़ा है शत्रुघ्न और रेखा का रिश्ता अनोखा। आपको बता दें, शत्रुघ्न ने रेखा के साथ एक बार हुए झगड़े पर इंटरव्यू में बताया था कि कैसे अलग विचारों की वजह से हमारे बीच बहस छिड़ गई थी, और ऐसे रिमार्क्स रेखा को लेकर उन्होंने दिए थे जिससे रेखा का दिल टूट गया था। रेखा को लेकर शत्रुघ्न का कहना था हमारे विचार अलग थे छोटे छोटे मामलों को लेकर, और इसकी वजह से हमने 20 साल तक बात तक नहीं की थी, और मैं उनके बारे में काफ़ी बुरा भला बोलता भी था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन रेखा ने कभी भी उनके परिवार और उनके खिलाफ बुरे भले शब्दों का प्रयोग नहीं किया, और कभी भी बदला भी नहीं लिया ना ही रिएक्ट किया। वो काफ़ी ज़्यादा बड़े दिल वाली महिला है। शत्रुघ्न ने कहा कि मेरी बेटर हाफ श्रीमती पूनम सिन्हा सिर्फ उन्हीं की वजह से हमारे बीच की दीवारें ख़त्म हुई। रेखा और पूनम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, और मेरी जो रेखा के साथ झगड़े हुए इसके कारण पूनम के साथ भी रेखा का रिश्ता टूटने की कगार पर था, जिसके कारण पूनम ने ही मेरे और रेखा के बीच की दूरियों को मिटाने का काम किया था, और इस तरह से फिर 20 साल से जो दोस्ती में दीवार थी वो दोस्ती फिर से हुई थी। शत्रुघ्न को रेखा ने हमेशा अपने परिवार की तरह प्रेरित भी किया, और रेखा जो हैं 69 साल की उम्र में अकेली, उन्हें जिन्हें मिल जिस तरह से भी मिलता है प्यार, प्यार को वो नहीं ठुकराती हैं, प्यार को लेकर उनकी ज़िंदगी में मायने भी अलग हैं, तभी तो इस उम्र में वो अकेली है। नेक्स्ट 9 लाइफ तृप्ति रिपोर्ट।